इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने खुद की तुलना टाइगर से करते हुए दोहराया कि टाइगर अभी जिंदा है और शिकार पर निकला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मंच से कहा, ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। सीएम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में थे और उन्होंने वहां से कहा कि मैं कहता था टाइगर अभी जिंदा है, हाँ टाइगर जिंदा है और शिकार पर निकला है, शिकार हो रहा है भूमाफिया का, चिटफंड के दलालों का, नशे के कारोबारियों का, माँ बेटी बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। विधानसभा में मतांतरण के खिलाफ कानून पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, राजधर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों के लिए फूल सा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र सा कठोर हूँ। मैंने स्पष्ट कह रखा है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तबाह कर दो माफियाओं को, किसी को नहीं छोड़ना, जरूरत पड़े तो आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद करो। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है, शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। कल ही मध्यप्रदेश की विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित कर दिया, गलत नियत से दबा के डरा के फुसला के अगर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाऊंगा, जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाऊंगा। एक अलग राज है, अंदाज भी अलग है, सबको न्याय। और मेरे बहनों और भाइयों, आज भी जो बात आई है, मैं फिर इस टीम के साथ आपको आश्वस्त करता हूं, यह ऐसा नहीं है, मेरा धर्म है। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका हकी तो आपको दे रहे, ये राजधर्म है और राजधर्म का पालन किया जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।